आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट के वीकली आउटलुक पर। इस वीकली आउटलुक में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है और इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। हमने देखा पिछला हफ्ता IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट ट्रिम करने के बाद हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखी। हमने देखा इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में गिरावट देखी गई। अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट से, तो डाउ जोन्स करीबन 1.86% की गिरावट के साथ 33,811 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। सेंसेक्स में करीबन 2.15% की गिरावट रही और सेंसेक्स के अंदर हमने देखा करीबन 57,197 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। निफ्टी में भी करीबन 1.74% की गिरावट रही और निफ्टी करीबन 17,171 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,800, रेजिस्टेंस 17,450 का रहेगा। हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर अगले हफ्ते भी गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मार्केट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है। साथ में हमने जो गिरावट देखी है उसका थोड़ा बहुत असर और देखने को मिल सकता है और भावों में अगले हफ्ते भी थोड़ी बहुत गिरावट हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,800 का रहेगा, जो कि एक मेन ट्रिगर पॉइंट रहेगा। अब हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो हमने यहाँ पर देखा गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर भी गिरावट रही। गोल्ड के भाव करीबन 1.38% की गिरावट के साथ 52,261 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर के भाव करीबन 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 66,546 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। गोल्ड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51,700, रेजिस्टेंस 52,700 का रहेगा। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अगले हफ्ते एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी देखी जा सकती है। और जिस तरीके से ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक को ट्रिम किया गया है, उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है अगले हफ्ते गोल्ड के भावों में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में 52,500 से लेकर 52,700 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1940 तक के स्तर देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 65,500 और रेजिस्टेंस 68,000 का रहेगा। हमें लगता है सिल्वर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट $25 तक और MCX में करीबन 67,500 से लेकर 68,000 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। बात करते हैं बेस मेटल की, तो हमने देखा पिछला हफ्ता काफ़ी नेगेटिव रहा। बेस मेटल में हमने सभी में गिरावट आते हुए देखी। कॉपर के भाव करीबन 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 808.40 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। LME के अंदर इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर एक गिरावट आती हुई देखी गई। साथ में हमने देखा ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम करने की वजह से डिमांड आउटलुक थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से बेस मेटल में नरमी देखी गई। वहीं हमने देखा कि जिंक के भाव एक रेंज बाउंड फ्लैट क्लोजिंग में रहे। एल्युमिनियम के भावों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी। कॉपर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 795, रेजिस्टेंस 820 का रहेगा। यहाँ पे टारगेट करीबन 795 से लेकर 790 तक हो सकता है, तो यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए बिकवाली का सलाह दी जाती है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक के अंदर हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। जिंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 364 का, रेजिस्टेंस 370 का रहेगा। हमें लगता है जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 364 से लेकर 362 तक का लेवल देखा जा सकता है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम के अंदर भी हमने डाउन ट्रेंड आते हुए देखा। एल्युमिनियम में करीबन 1.49% की गिरावट रही और एल्युमिनियम के भाव करीबन 268.35 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 262 का, रेजिस्टेंस 275 का रहेगा। हमें लगता है यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 262 से लेकर 260 तक देखा जा सकता है। अब हम बात करें एनर्जी सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी। हमने देखा क्रूड के भाव, नेचुरल गैस के भावों में गिरावट देखी गई। क्रूड के भाव करीबन 2.98% की गिरावट के साथ 7,824 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। क्रूड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 7,500 और रेजिस्टेंस 8,100 का रहेगा। हमें लगता है कि अगले हफ्ते क्रूड में गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर टारगेट करीबन 7,500 से लेकर 7,300 तक देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के भावों में भी यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। करीबन 8% की गिरावट के साथ नेचुरल गैस के भाव 520.40 के स्तर पर देखे गए। हमें लगता है नेचुरल गैस के भावों में भी यहाँ पर गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 490 और रेजिस्टेंस 540 का रहेगा। हमें लगता है यहाँ पर भी बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए टारगेट नीचे करीबन 490 से लेकर 480 तक हो सकता है।
अब बात करें करेंसी सेगमेंट की, तो करेंसी सेगमेंट में हमने मिला जुला रुकाते हुए देखा, हमने देखा यूएसडी आईएनआर करीबन 0.26% की बढ़त के साथ 76.44 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। यूएसडी आईएनआर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75.80 और रेजिस्टेंस 76.80 का रहेगा। हमें लगता है अगले हफ्ते मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो सकती है और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी देखी जा सकती है। बात करें जेपीवाई आईएनआर की, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखा गया। जेपीवाई आईएनआर में हमने करीबन 0.25% की गिरावट के साथ 59.68 के स्तर आते हुए देखे। हमें लगता है जेपीवाई आईएनआर में भी यहाँ पर एक लोअर लेवल पर खरीदारी देखी जा सकती है। मार्केट ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करती हुई दिख रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 59, रेजिस्टेंस 60.60 का रहेगा। यहाँ पर लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें एग्रीकल्चर कमोडिटी की, तो यहाँ पर हमने गिरावट आते हुए देखी। मॉनसून का पॉजिटिव आकलन आने के बाद हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में गिरावट आते हुए देखी। एक्सपेक्टेड है कि मॉनसून इस बार भी नॉर्मल आ सकता है, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है और भावों में नरमी देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि नॉर्मल मॉनसून आने के बाद भारत के अंदर अत्यधिक पैदावार देखने को मिल सकती है। बात करें ग्वार सीड ग्वार गम की, तो यहाँ पर हमने गिरावट आते हुए देखी। ग्वार सीड के भाव करीबन 2.91% की गिरावट के साथ 6336 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। ग्वार सीड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6100 का, रेजिस्टेंस 6550 का रहेगा। यहाँ पर बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं, नीचे टारगेट करीबन 6150 तक हो सकता है। मसालों की अगर बात करें, तो मसालों के अंदर भी हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। टर्मरिक के भाव करीबन 2.25% की गिरावट के साथ 8978 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। निर्यात मांग से मसालों को सपोर्ट मिल सकता है, और अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पर हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टर्मरिक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8450 और रेजिस्टेंस 9400 का रहेगा। हमें लगता है टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, ऊपर में टारगेट 9400 तक हो सकता है। अब हम बात करें कॉटन सीड ऑयल केक की, जहां हमने कॉटन सीड ऑयल केक को लाइफ टाइम हाई टेस्ट करते हुए देखा। कॉटन के प्राइसेस को वहीं हमने कॉटन सीड ऑयल केक में नरमी आते हुए देखी। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने करीबन 6.5% की गिरावट के साथ भाव करीबन 2883 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉटन सीड ऑयल केक में एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। हायर लेवल पर डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखी जा सकती है। कॉटन सीड ऑयल केक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2650, रेजिस्टेंस 3050 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, नीचे टारगेट करीबन 2650 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है अगले हफ्ते एग्रीकल्चर कमोडिटी में कुल मिलाकर एक नरमी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। बने रहिए IIFL सिक्योरिटी के साथ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप हमारा IIFL सिक्योरिटी का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, ट्विटर चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित करेंगे। थैंक यू। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।